हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 30 इन दिस वर्कशीट फॉर 18th of September 2021। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ये र्यूमर भरा स्टोरी है। र्यूमर वो होता है जिसमें आपको हंसी भी आएगी, ठीक है, और आपको जो है ना बहुत ही इन्जॉय करेंगे आप उस स्टोरी को पढ़ते वक्त, ठीक है। तो स्टोरी का नाम है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, अर्थात सर्जरी पर विजय कैसे प्राप्त किया एक डॉक्टर ने, राइट। तो देखिए, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग है। ट्रिकी कैसा है, छोटा सा डॉग है। इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, यानी उसकी जो मिस्ट्रेस है वो पैम्पर्ड है और ज़्यादा खिलाने के बाद वो क्या होता है, मोटा वगैरह हो गया, ठीक है, और काफ़ी अच्छा सा उसका डॉग है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिकी। ही फॉल सीरियसली इल, एक बार काफ़ी बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनिटी डॉग सर्जन, उसकी मिस्ट्रेस जो है ना वो वेटरनिटी सर्जन से कंसल्ट करती है। और डॉक्टर हैरियट हु नैरेट्स द स्टोरी, और डॉक्टर हैरियट इस स्टोरी को नैरेट करते हैं, ठीक है, ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट, और डॉग्स को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी सारी जो डॉग अगर इल हो रहा है तो उसे वेटरनिटी डॉक्टर की से कंसल्ट किया गया और उसे क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। How does the dog recover? और किस तरह से डॉग को रिकवर किया गया है, राइट। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं काफ़ी चिंतित था ट्रिकी के उस समय के लिए, जो मतलब वो काफ़ी जो है ना बीमार था। आई हैड पुल्ड अप माई कार वेन आई सॉ हीम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट द अपियरेंस, यानी जो मतलब ये लेखक बताना चाहते हैं, जो वो इतना अच्छा डॉग था, ठीक है, जो मतलब उसकी जो मतलब आई हैड पुल्ड अप माई कार एंड वेन आई सा इम हीज स्ट्रीट, जब मैं उसको स्ट्रीट में देखता था, ठीक है, तो आई हैड पुल्ड अप माई कार, ठीक है, विथ हीज मिस्ट्रेस, यानी उसकी मिस्ट्रेस के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो गया एट हीज अपीरेंस, उसको देखने के बाद। ही हैड बिकम द हगली फैट लाइक ए हीटेड सॉसेज विथ ए लेग एट द इच कॉर्नर्स, हीज आइज ब्लड सेड सूट एंड द र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हीज टंग्स लोल्ड फ्रॉम हीज जॉब्स। मिस्टर पम्पसरी हेस्टेंट टू एक्सप्लेन, मिस्टर पम्पसरी एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। ही वॉज ए सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी मिस्टर हैरियट, ही उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन, वो जो है ना उनसे कंसल्ट जब किया गया है, ठीक है, जैसे कि वो ट्रिकी है, ट्रिकी को ले गया वेटरनिटी डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उसको कंसल्ट किया गया, और कंसल्ट किया गया तो उन्हें जो है ना मतलब वो बीमार क्यों हुआ, तो उनकी मिस्ट्रेस कहती है उन्हें लगता है इसे माल न्यूट्रिशन, यानी ये खाती पीती नहीं है, मतलब जो है ना, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खिलाती वगैरह थी, वो मोटा ताज़ा डॉग था, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसको और फिर भी क्या कह रहा है, वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो गया, ठीक है। आई थॉट इट मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन, और कहते हैं मैं मेरे हिसाब से ये माल न्यूट्रिशन से जो है ना ये काफ़ी परेशान है, यानी इसे कुपोषण हो गया। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम ए लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम, यानी मैं एक्स्ट्रा भी उन्हें खाने के लिए देता हूँ ताकि वो अपनी जो है कमजोरी को फुलफिल कर सके। सम माल्ट एंड द कोड लीवर ऑयल एंड द बॉयल ऑफ द हॉर्लिक्स एट द नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, यानी उसको हॉर्लिक्स वगैरह भी देता ताकि वो जो है ना अच्छे से सोए वगैरह खाए पिए। बताइए, एक तो डॉग को इतना एक्स्ट्रा वो फूड दे रही है, ठीक है, जिससे वो तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फूड देने से बीमार पड़ जाता है, लेकिन वो डॉग मना भी कर देता है जो हमें नहीं खाना है नहीं खाना, फिर भी वो ज़बरदस्ती कहती है जो बीमार पड़ गए हो, मतलब ये मजाकिया स्टोरी है। आपको ओवरऑल इसका आइडिया मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ठीक है। And did you cut down on the sweet things as I told you? And oh, I did far a bit, but he seems to be the so weak. I had to relent. He does love cream cakes and the chocolate, so I can't bear to refuse him. So I looked down again at the little dogs, and that was the trouble. Tricky only fault was greed. और ट्रिकी का एक ही जो मतलब सबसे बड़ी कमी थी वो लालची था, ठीक है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, यानी उन्हें जितना उनकी मालकिन खाना वगैरह देती थी वो कभी मना नहीं करती थी, आसानी से खा लेता था, ठीक है। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, मतलब दिन और रात में जो है ना वो मिला के वो अच्छा खासा वो मतलब खा लेता था, ठीक है, डॉग, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, ओवरऑल इसमें आइडिया यही है, जो डॉग एक ट्रिकी है जिसको उसकी मिस्ट्रेस होती है, जो मालकिन होते वो काफ़ी खिलाती पिलाती मोटा ताजा रहता है, फिर भी एक दिन अचानक से कहते हैं बीमार पड़ जाता है, फिर वो वेटरनिटी डॉक्टर से कंसल्ट करता है, फिर उसके बाद वो डॉक्टर उन्हें एडवाइस देते हैं कि ये बच्चे ये जो है ना मतलब बीमार तो ऐसा देखने से तो लग नहीं रहा, फिर भी जो है ना और क्या करते हैं उनकी मालकिन उन्हें दिन रात काफ़ी ज़्यादा वो भोजन कराती है, उन्हें वो खाते वगैरह हैं और उसके बाद वो मोटा ताजा रहता है, और फिर भी उन्हें लगता है ये कुपोषण का शिकार है। बताइए, इतना खिलाने के बाद भी कह रहे कुपोषण के शिकार है। ठीक है, तो ये सारे आइडिया है इसमें। ठीक है, अब चलिए इसमें क्वेश्चन है जो कि बेहद ही आसान है, ईजी है, चलिए सभी का एक्सप्लेन करते एक एक करके। ठीक है, वॉट Who is I refer to in the above extract of whom? Why was he buried? The I refers to veterinary doctor. Veterinary doctor जो एक narrator खुद है। ठीक है, Who is the narrator of the story named James Herriot? जिसका नाम James Herriot है, उन्होंने ही ये लिखा है। He was worried to see the appearance of Mr. Pumphrey's dog. यानी जो मतलब काफ़ी चिंतित हुआ जो Mr. Pumphrey के dog को देखने के बाद। ठीक है, Mrs. Pumphrey है। ठीक है, ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एक ही कमी थी को वो लालची था, जो भी देता था वो सारा खा लेता था। सेज द नरेटर, व्हाट माइट बी मिस्टर पम्फ्री ओनली फॉल्ट, क्या मिस्टर पम्फ्री का ही वो फॉल्ट है? नहीं, पम्फ्री ओनली फॉल्ट वॉज बी हैम्परिंग ही पैम्परिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रिकी, यानी उसका एटीट्यूड जो है ना उसके प्रति पैम्परिंग था, हर पैम्परिंग स्पॉइल्ड हर पेट डॉग, यानी उसकी जो मतलब वो खिलाने की जो ज़्यादा आदत थी वो ज़बरदस्ती खिलाती थी वगैरह थी। ठीक है, और ज़बरदस्ती क्या वो मना भी नहीं करता था। ठीक है, ट्रिकी इन द हर लव फॉर हिम, उसकी जो इन हर लव फॉर हिम उसके लिए जो उसका प्यार था, सी लेट हिम ओवर रीट, सी डिड नॉट मेक हिम डू एक्सरसाइज, एंड वॉट एक्स्ट्रा डिड द मिस्टर पम्फ्रीज स्टार्ट टू गिव ट्रिकी, एंड वाई क्या एक्स्ट्रा देना था, क्यों देते थे? ठीक है, तो मिस्टर पम्फ्रीज स्टार्टेड टू गिव एक्स्ट्रा फूड फॉर ट्रिकी एज ए सी थॉट डैट हर पेट इन ए सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन, मतलब वो एक्स्ट्रा की इसलिए खिलाती थी ताकि उन्हें लगता था उनका जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो रहा है। वेन सी वो हार्ड डैट द हर पेट डॉग इज रिकवरिंग डे एंड डे, जब उसने सुना कि उसकी जो डॉग है ना वो क्या है मतलब पेट डॉग है वो रिकवर कर रहा है डे बाई डे, सी एडेड टू डर्जन एग, यानी उसने एक दो दर्जन एग और उसको ऐड कर दिया टू हिज मील टू बिल्ड अप द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिकी, ताकि वो मोटा ताजा और स्ट्रांग बन जाए। राइट, उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर लास्ट है और बहुत ही ईजी है। डू यू थिंक दैट पेरेंट्स लाइक द मिस्टर पम्फ्री एग्जिस्ट? इफ यस इट इज ए गुड थिंग्स टू ए पम्फ्री चिल्ड्रेन, यानी डू यू थिंक ए पेरेंट्स लाइक मिस्टर पम्फ्री एग्जिस्ट, क्या आप सोचते हैं ये इस तरह के पेरेंट मिसेज पम्फ्री की तरह पेरेंट्स हो? ठीक है, इफ यू यदि यस सोचते तो इट इज ए गुड थिंग्स टू पैम्पर चिल्ड्रेन, तो आप बच्चों को क्या आप अच्छा चीज मतलब उसको पैम्पर कर सकते हैं? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं कर सकते? तो यस, पेरेंट लाइक द मिस्टर पम्फ्री मिसेज पम्फ्री डेफिनेटली एग्जिस्ट, दिस पीपल्स स्पॉइल देयर चिल्ड्रेंस बाई मेकिंग द श्योर ऑल देयर डिमांड्स आर मेट इन द पैम्फरिंग चिल्ड्रेंस इन मॉडर्नेशन इज हेल्दी बट द एक्सेस ऑफ इट्स हार्मफुल। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए आप इस वर्कशीट को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।